यार आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ एडिटिंग कैसे करनी है व्लॉगिंग करने के लिए। अगर आप लोग व्लॉगिंग करना चाहते हैं, व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, व्लॉग रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो यार सबसे पहले आप लोगों को लेना है आईफोन सेवन हो या कोई भी हो, 6 हो, बस छोटा सा मोबाइल हो, लाजमी तो नहीं हो पीटी अप्रूव हो, बस नॉन पीटी भी चलेगा, बाईपास भी चलेगा, सिर्फ कैमरा चलती है बस चलेगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कैप कट डाउनलोड करनी है और उसके बाद सबसे पहले वीडियो में फिल्टर्स वगैरह लगाने, जो जेनरल आईफोन की एडिटिंग होती है वो एडिटिंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद आप लोगों ने ले आनी है कैप कट, तो कैप कट आईफोन में ऐप स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगी, नॉर्मली बस होती है वो मिल जाएगी, वो डाउनलोड करके आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आ जाना है बस कैप कट में, अपनी वीडियोस व्लॉग्स वगैरह अपलोड करने और उस क्लिप्स सारी वहां पे लगानी है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट हो वो आप लोगों ने कट करने, बस उसके बाद आपको आप लोगों का व्लॉग बन जाएगा। और जो वॉल्यूम होती है ना वो फुल करनी है 100 पे 1000 पे, वो वॉल्यूम फुल करनी है क्योंकि आप लोगों की जो आवाज़ होती है ना वो ज़्यादा आ जाती है। मेरा यही सेटअप होता है बस व्लॉग कैसे करता हूँ। अच्छा जो आप लोगों ने व्लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड करना है ना वो बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग करनी है क्योंकि क्लियरिटी बैक कैमरा की अच्छी होती है, वॉइस भी अच्छी आ जाती है। अच्छा जो कैमरा फ्रेम होता है ना वो इस तरह हिलता नहीं है, जैसे अगर बैग्स पे हम बैठे होते हैं ना वो इस तरह हिलता नहीं है, ठीक है, नॉर्मल वीडियो बन जाती है ऐसे, चाहे मोबाइल हिलाओ फिर भी वीडियो नहीं हिलती। अगर बैक कैमरा से आप लोग रिकॉर्डिंग करें, फ्रंट कैमरा से आप लोग रिकॉर्डिंग करेंगे ना फिर क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। बस ये आप लोग चेक करें, फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग चल रही है, बस कैमरा हिल रहा होता है, बस यही सिस्टम होता है। इसलिए मैं बोल रहा था आप लोगों को फ्रंट कैमरा से नहीं बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग करनी है, बस यही सेटअप है, थोड़ी सी मुश्किल है, बस मेहनत करनी है आप लोगों को व्लॉग्स बनाने के लिए। बस यही छोटा मैं काम करता रहता हूँ, इस तरह व्लॉग बनाते हैं, जब नेटवर्क अच्छा हो तब व्लॉग अपलोड करना है फेसबुक पे और यूट्यूब पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रिंस अब्दुल वहीद, आप लोग देख रहे हैं वही मतलब यार आज का मजेदार व्लॉग करते हैं शुरू। तो मैं अभी यहाँ पे देखो बहुत है, यहाँ पे हमने चाय मंगवा ली है लेकिन बेचारे ने नाश्ता नहीं किया हुआ था तो इसने भी चाय मंगवा ली है। न्यू सिंदड़ी होटल पे हम खड़े हैं तो अभी घर चलते हैं, भाई गर्मी बहुत है, गाड़ी कीचड़ की चढ़ोगे, चाबी तो बस चलें, मैं चलाता हूँ। यार पानी चेक कर सकते हैं आप लोग उबाड़े में कितना पानी, अभी हमारी गाड़ी खड़ी है, अभी यहाँ से कैसे जाएगी आप लोग खुद समझ कर सकते हैं। और ये लोगों का हाल है यहाँ पे, भाई ये रक्षे वगैरह गीले गीले हो रहे हैं सारे, अब मुझे भी गुजारनी पड़ेगी भाई, मजबूरी है क्या करें, मजबूरी का नाम भी शुक्रिया। तो ये हाल है हमारी गाड़ी का, अभी अगले वाला जो पहिया है ना वो हवा निकाल गया है, पूरी हवा ख़त्म हो गई है, अब फिर से यहाँ पे हवा दे रहे हैं। अच्छा जो पिछला पहिया है इसमें भी हवा कम हो चुकी है, पता नहीं किसी ने निकाली या हम होटल में गए बाहर से, भाई दोनों पहियों की हवा ख़त्म हो गई है। अच्छा ये भी ख़त्म हो गया है वो भी, तो मैंने सोचा यार यहाँ पर छाँव वगैरह करते हैं, छाँव के लिए बस ठंडे ट्रीज़ वगैरह यहाँ पर लगाते हैं, तो मज़दूर वो आ चुका है, इसने कई तोड़ दी मेरी, अब मैं लेके आया था 1000 रुपये की, भाई सारा नुकसान कर दिया इसने, भाई हंस क्यों रहा है पागल, मेरा इतना नुकसान कर दिया इसने। सबसे पहले इसमें पानी डालना पड़ेगा क्योंकि इसमें पानी ये नीचे चला जाता है, इसमें जो वाल्स वगैरह होते हैं ना वो कमज़ोर हो गए, इनकी तरह कमज़ोर हो गए भाई, वो बंदा नीचे उसको नीचे उतार दिया है, बाकी ये पानी थोड़ा बचा है ये भी इसमें डालेंगे, उसके बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट करके भाई चलाना है क्योंकि रोज़ी रोटी तो करनी है ना। बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।